1963 में राजा नोरोडोम के पिता भारत आए थे। उसके बाद अब 60 साल बाद कंबोडिया के राजा नोरोडोम आए हैं। लेकिन इनका अचानक से भारत आना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। कंबोडिया के राजा नोरोडोम का स्वागत करने के लिए खुद पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे। इतना ही नहीं, इनके सम्मान में तोपों की सलामी भी दी गई। इसके बाद इन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कंबोडिया एक ऐसा देश है जो भारत के लिए बहुत अहम है और अखंड भारत बनने के लिए बहुत जरूरी है। ये देश चीन के बगल में रहता है और चीन के आसपास रहना किसी देश के लिए आसान नहीं है। कंबोडिया में भी चीन अपना विस्तार चाहता है। सिंगापुर, मलेशिया जैसे देश पहले से ही भारत की शरण में आ चुके हैं। चीन की चाल में फंसने से पहले ही कंबोडिया के राजा नोरोडोम भागकर भारत आए हैं।